रात्रि देवी माँ सरस्वती हमारी कुनकुरी। साथ ही हमारे अतिथियों का आगमन हो रहा है, एक बार हाथ हिला करके हमारे सभी अतिथियों के लिए जोरदार अभिनंदन करें, स्वागत करें, जोरदार करतल ध्वनियों के साथ अभिनंदन करें, खड़े होकर के अभिवादन स्वीकार करें। ये आपका सौभाग्य है, आपके पुरुषार्थ है कि आपके आतिथ्य को स्वीकार करके हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबके चहेते आपके बीच आए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय महोदय जी, आपसे गुजारिश करेंगे कि विश्व वंदनीय भारत माँ एवं विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के छायाचित्र पर पूजन अर्चन कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। आप सब लोग देख पा रहे हो कि हमारे मुखिया हम सबके चहेते हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं और आपके सम्मान, आपके स्वाभिमान और आपका प्रेम भाव हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी तक पहुंचेगा। सभी अतिथियों का सम्मान करें, आप सब लोग बैच लगा करके अभिनंदन करेंगे। इसके पश्चात हमारे स्थानीय पगड़ी पोशाक पहनाने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री मुकेश कुमार यादव, रविंद्र सिंह, हीराचंद यादव, लोक नारायण एवं मालू राम जी को। आप आए और अपने हाथों से हमारे छत्तीसगढ़िया पोशाक पगड़ी पहना करके आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का सम्मान करें, अभिनंदन करें। इसके पश्चात माल्यार्पण के लिए हम आमंत्रित करते हैं मुकेश कुमार यादव, सफाई कर्मचारी संघ से। आप इधर से आ जाएं। मुकेश कुमार यादव, हीराचंद यादव, लोक नारायण यादव वन प्रबंधक समिति, हंस मुनि चौहान आंगनवाड़ी सहायिका संघ, राजेंद्र कुमार साहू प्रदेश पदाधिकारी सफाई कर्मचारी संघ, संतोष खांडेकर प्रदेश पदाधिकारी, रामराज कश्यप रसोईया संघ, मेघराज बघेल रसोईया संघ, कन्हैया कोदराम रसोईया संघ, नीलकंठ सोलवानी संभागीय अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघ, आप सब लोग तैयार रहेंगे। पगड़ी पहनाने के लिए हम मुकेश कुमार यादव, रविंद्र सिंह आपको आमंत्रित करते हैं कि पगड़ी पोशाक पहना करके हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का अभिनंदन करें। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी को पगड़ी पोशाक के साथ सम्मानित किया जा रहा है। आप लोग अपने स्थान से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये आपका और हमारा सौभाग्य है कि हमारे मुखिया हम सबके बीच आप सबको आशीर्वचन और अपने स्नेह से अभिसिंचित करने के लिए अपना व्यस्ततम समय निकाल करके आप सबके बीच मुखातिब हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी अतिथियों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ, मध्याह्न भोजन रसोईया संघ, वन प्रबंधक समिति और आंगनबाड़ी सहायिका संघ द्वारा प्रदेश स्तरीय अभिनंदन एवं सम्मान समारोह आयोजित है। इस कार्यक्रम में पधारे हम सभी सम्मानी मंचासीन अतिथियों का एक साथ अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सभी के सम्मान में एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं, माल्यार्पण के लिए स्वागत के लिए श्री मुकेश कुमार यादव, सफाई कर्मचारी संघ। आप आए और माल्यार्पण से अभिनंदन करें, स्वागत करें। इधर से करवा दीजिए।
सभी संघ के कर्मचारी पदाधिकारी से आग्रह है कि माल्यार्पण आप लोग सामने से जो बैरिकेड बनी हुई है वहां से आएंगे और माननीय महोदय जी और अतिथियों से आग्रह करेंगे। श्री मुकेश कुमार यादव सफाई कर्मचारी संघ आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजाएं आप सब लोग। श्री हीराचंद यादव रसोईया संघ से आपसे आग्रह है कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण से अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय लोक नारायण यादव वन प्रबंधक समिति आपसे आग्रह है कि आप आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का अभिनंदन करें। श्रीमती हंस मणि चौहान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ आपसे आग्रह है कि आप आए और मुख्य अतिथि महोदय जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। संतोष खांडेकर जी आपसे गुजारिश है कि आप आए और माल्यार्पण से अभिनंदन करें। नंद गोपाल प्रधान जी आपसे आग्रह है कि आप आए और मंत्री जी का माल्यार्पण से अभिनंदन करें, स्वागत करें। मेघराज बघेल जी रसोईया संघ आपसे आग्रह है कि आप आए और हम सबके अति सम्मानी माननीय अमर अग्रवाल जी पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन हमारे बीच हैं, आपका माल्यार्पण करें, अभिनंदन करें। श्री कन्हैया कुदराम रसोईया संघ आपसे आग्रह है कि आप आए और माल्यार्पण से अभिनंदन करें। श्री जहर साय संभागीय सचिव सफाई कर्मचारी संघ आपसे आग्रह है कि आप आए और अतिथियों का स्वागत करें। रांजीत चौहान मीडिया प्रभारी आपसे गुजारिश है कि हमारे अतिथियों का सम्मान करें, स्वागत करें। श्री अभिन साय ब्लॉक उपाध्यक्ष आपसे गुजारिश है कि आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम आग्रह करेंगे विशाखा यादव सफाई कर्मचारी संघ के आज के हमारे अध्यक्षता कर रही श्रीमती गोमती साय माननीय विधायक पत्थलगांव आपका माल्यार्पण से पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करें, स्वागत करेंगे। सुचिता तिग्गा मनोरा आपसे आग्रह है कि आप आए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री विनोद कुमार भगत जी जिला कोषाध्यक्ष आपसे आग्रह है कि आप आए और हमारे सम्मानीय श्री शंकर साय जी पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। सोम साय भगत जी आपसे गुजारिश है कि आप आए और सम्मानीय श्री रोहित साय जी का अभिनंदन करें, स्वागत करेंगे। श्रीमती इंद्रावती भंडारी जी आपसे गुजारिश है कि आप आए और श्री भरत साय जी पूर्व विधायक संसदीय सचिव महोदय जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री तुलसीराम संकुल अध्यक्ष पत्थलगांव आपसे गुजारिश है कि आप आए और श्री सुनील गुप्ता जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री शिव पैकरा जी जिला संरक्षक आपसे गुजारिश है कि हमारे स्नेही श्री सालिक साय जी माननीय सदस्य जिला पंचायत एवं उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा आपका पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करें, स्वागत करें। रविन्द्र सिंह आपसे गुजारिश है कि माननीय धनेश्वर यादव जी भाजपा कार्यकर्ता आपका अभिनंदन करें। श्री मकरध्वज यादव आपसे गुजारिश है कि सम्मानी गणेश जैन जी मंडल अध्यक्ष आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। उमाकांत चौहान आपसे गुजारिश है कि मंच पर उपस्थित तपेश्वर यादव जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित है गीतेश्वर यादव जी, श्री पिंटू यादव जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर हमारे सभी अतिथियों को एक एक करके स्वागत करने के लिए हम श्री नंदलाल सिंह रसोईया संघ आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे मंचासीन अतिथियों को स्वागत करें। श्री निदेश चक्रेश जी आपसे गुजारिश है कि आए और हमारे अतिथिजनों का स्वागत करें। श्री रामेश्वर यादव जी, श्री गीतेश यादव जी, श्री हेमंत साय पैकरा जी, श्री कालिदास गुप्ता जी संरक्षक रायगढ़ आपसे गुजारिश है कि आप आए और स्वागत अभिनंदन करें। श्री पीताम्बर यादव जी ब्लॉक अध्यक्ष लेलंगा गुजारिश है आपसे कि आप आए। श्री चित्रसेन श्रीवास जी ब्लॉक अध्यक्ष खरसिया, श्री अनिल कुमार राठिया जी ब्लॉक अध्यक्ष धर्मजयगढ़, श्याम देवी रवि जी बलरामपुर से आपसे गुजारिश है कि आप आए और मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री विजय रवि जी बलरामपुर से, श्री लालजीत सिंह जी कोरिया से, श्री राम नारायण राजवाड़े जी सूरजपुर से, श्रीमती नर्मदा प्रसाद महरे जी मनेन्द्रगढ़ से, श्री दुलार चंद जी कुसमी से, श्यामलाल राजवाड़े जी सूरजपुर से, रामेश्वर प्रजापति जी सूरजपुर से, बबलू राम चौधरी जी सूरजपुर से, बागेश्वर कुजूर जी सूरज कुसमी से आप सबसे आग्रह कि आकर के हमारे अतिथियों का अभिनंदन करें। रसोईया संघ से हम आग्रह करेंगे श्रीमती सुशीला बाई मनेन्द्रगढ़ से, सुमित्रा सिंह बैकुंठपुर से, सोमनाथ जी सुकमा से, प्रहलाद बघेल जी नारायणपुर से, पवन बघेल जी खैरागढ़ से, अरविंद सिंह जी जगदलपुर से, तेरह बेगम जी रायपुर से, वासुदेव कश्यप जी बिलासपुर से, बिंदे मरकाम जी धमतरी से, लता देवांगन जी गरियाबंद से आप सबसे आग्रह है कि आए और हमारे अतिथियों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। सफाई संघ बिलासपुर संभाग से हम आग्रह करते हैं विद्या निर्मलकर जी बिलासपुर से, जयनंदन चौहान रायगढ़ से, पीताम्बर यादव रायगढ़ से, कालीदास जी रायगढ़ से, पंचम दास जी कोरबा से, ध्रुव यादव जी सारंगढ़ से, सूरज भारद्वाज जी सक्ती से, प्रदेश
पलांगी जी जांजगीर चापा से, सौरभ भारद्वाज जी जांजगीर चापा से, हजारी साहू जी मुंगेली से, चैत राम धुर जी गौरेला पेंड्रा मरवाही से, तुलाराम देवांगन जी बिलासपुर से, आप सबसे आग्रह है कि आए और हमारे अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं गुलाब फूल देकर के अभिनंदन करें, स्वागत करेंगे। रसोईया संघ से हम आग्रह करते हैं, श्री महावीर चौहान जी बरालजोर से, श्री रवि भगत जी फरसाबहार से, कोमल यादव जी कांसाबेल से, संतोषी खलखो जी पत्थलगांव से, ममता बरला जी जसपुर से, ताराबाई बगीचा से, कुंतिला सिंह कुनकुरु से, इंद्रवती पैकरा कांसाबेल, सनमती पैकरा रायगढ़, संग्राम मरकाम कोंडागांव, संगीता सिंह जसपुर से, आप सब लोग आकर के हमारे अतिथियों का अभिनंदन करें। सफाई कर्मचारी संघ से बलराम राजपूत बेमेतरा से, मनोज दास मानिकपुरी कबीरधाम से, मनोज साहू कबीरधाम से, रोहित मल्लाह बलौद से, सुखनंदन चंद साहू राजनंदगांव से, ललित कौशिक दुर्ग से, आप सबसे आग्रह है कि आप आए और मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन करें। रामाधार लहरे जी प्रांताध्यक्ष, एनडी कुरैसी जी प्रांताध्यक्ष प्रबंधक वन प्रबंधक समिति, सियाराम यादव जी, संतुराम चौहान जी जिलाध्यक्ष, विकास यादव जी, धनेश्वर चौहान जी कोषाध्यक्ष, आप सबसे आग्रह है कि आप करके माल्यार्पण से अभिनंदन करेंगे। आंगनबाड़ी सहायिका संघ से चंद्रशेखर पांडे जी प्रांतीय संयोजक, सोन कुए पटेल जी कोरबा से, हेमलता भारती जी बिलासपुर से, आप सबसे आग्रह है कि आप आए और हमारे अतिथियों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। प्रांताध्यक्ष लिपिक वर्गीय सरकारी संघ, आपसे आग्रह है कि आप आए और माल्यार्पण से हमारे अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। रसोईया संघ से हम आग्रह करते हैं, सरस्वती पैकरा बैकुंठपुर, मेंढर राम चौहान दुलदुला, महावीर राम मनोरा गुरबारू नेताम पत्थलगांव, जयपाल यादव फरसाबहार, जयशंकर चौहान कासाबेल रभाक्षा बीजापुर, सविता मानकपुरी कांकेर से, आप लोग आए और माल्यार्पण से हमारे सभी अतिथियों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप सबसे हम गुजारिश करेंगे कि जोरदार करतल ध्वनियों के साथ आपका अभिनंदन स्वागत कार्यक्रम जारी रहे। प्रमोद ग्राम भेमेतरा से, चतुर यादव जी राजनांदगांव से, आपसे आग्रह है कि आप यथाशीघ्र आए और हमारे अतिथियों का सम्मान करें। सफाई कर्मचारी रायपुर संभाग के भुवनेश्वर, सभी लोग थोड़ा शीघ्रता करेंगे। रायपुर संभाग से भुवनेश्वर धृत लहरे जी रायपुर, लोकेश्वर साहू जी धमतरी, चुवाराम जी गरियाबंद, श्याम रतन सागर जी महा समोन, कन्हैया दास कौसले बलौदा बाजार, डगेश्वर पटेल धमतरी, पुरुषोत्तम साहू धमतरी, तुलसीदास पत्थलगांव, रसोईया संघ से बालक राम ठाकुर मानपुर मोहला, प्रमोद कुमार बालो भीमा केलम दंतेवाड़ा, आप सबसे आग्रह है कृपया शीघ्रता के साथ आए और हमारे अतिथियों का अभिनंदन करें। राजन जोगी दुर्ग सुगंधि प्रजापति मनोरा बसंत स्थानीय भाषा में स्वागत अभिनंदन एक गीत के माध्यम से प्रस्तुति करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं कि आप आए और आज के सुमधुर गीतों के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी एवं सभी सम्मानित अतिथि जनों का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आप सबसे आग्रह है स्वागत अभिनंदन गीत प्रारंभ करें। आप सबसे पुनः गुजारिश करेंगे कि स्वागत अभिनंदन गीत के साथ स्वागत अभिनंदन करने के लिए पुनः एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। Happy birthday.
एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय श्री रोहित शाह जी, पूर्व विधायक कुनकुरी। आप आए और मंच पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं श्री मुकेश यादव जी। आप आए और आज के कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन करने का कष्ट करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री अमित शाह जी जिंदाबाद, श्री दिलीप सिंह जुदा जी जिंदाबाद, श्री विष्णु देसाई जी जिंदाबाद, श्रीमती गोमती साह जी जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, अंशकालीन स्कूल सभी कर्मचारी जिंदाबाद, मध्याह्न भोजन रसोई संघ जिंदाबाद, वन प्रबंधक समिति संघ जिंदाबाद, आंगनबाड़ी सहायिका संघ जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ के सभी कोने कोने से आए हमारे समस्त कर्मचारियों का जो हमें सहृदय से जो है हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आप सभी लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। आज जसपुर के इस पावन धरा में मैं मुकेश कुमार यादव, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी जिला अध्यक्ष, आप सभी का जो है बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आज सभी प्रदेश से आए हुए हमारे लालायित कर्मचारी हमारे भगवान जी को देखना चाह रहे थे। कितने लोग देख रहे हैं बताइए। ये जसपुर की पावन धरा है और जसपुर की पावन धरा में ऐसे वीर पैदा होते हैं जो हम जैसे गरीब लोगों के मंच में भी आते हैं। ये सबसे सौभाग्य की बात है कि आज हम कम से कम 15 साल तक अपने काम में काम करते रहे लेकिन आज तक हमारे मंच में कोई नहीं आया। लेकिन यहां देख रहे हैं कि हमारे जसपुर के बगिया धाम के श्री मन्नारायण जी यहां पे साक्षात बैठे हैं। अगर आज के रेट में अगर कोई भगवान का स्वरूप होता है तो आप मंच में देख सकते हैं। ताली नहीं बजा रहे हैं आप लोग। मैं सभी कर्मचारियों से बोलना चाहूंगा, हमारे जसपुर के राजा साहब अभी मंच में पधारे, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और हमारे साथ यश प्रताप सिंह जुदा जी भी आए, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। आज कासाबेल की पावन भूमि टांगरगांव मिनी स्टेडियम में मैं मुकेश कुमार यादव, स्कूल सफाई कर्मचारी संघ कल्याण संघ की ओर से छत्तीसगढ़ के माता पुत्र मान्य श्री विष्णु देसाई जी का, आदरणीय गोमती देवी जी का,
आदरणीय राजा साहब जी का, आदरणीय अमर अग्रवाल जी का एवं समस्त मंचासीन महानुभावों का जो सादर वंदन अभिनंदन करता हूं। अवगत कराना चाहूंगा कि हम अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति भाजपा के शासनकाल डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ था, वो भी 2007-08 से लेके 2011 तक। स्कूल सफाई कर्मचारी तथा स्वच्छ वातावरण के लिए नियुक्त हुआ है। हम अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी विद्यालय में बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण का निर्माण का प्रयास करते हैं। हम कक्षा कमरों की सफाई, शाला प्रांगण की सफाई, टॉयलेट की सफाई करना, मैदान साफ करना, बागवानी करना, पानी भरना, रजिस्टर में हस्ताक्षर करना, मध्यान्ह भोजन का चावल लाना आदि का कार्य का काम करते हैं। हमारे रसोईया संघ के कर्मचारी बड़ी मेहनत से चूल्हा फूक फूक कर अपना जीवन यापन करते हैं। आज वो भी बहुत ही परेशानी से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जो हम एक दूसरे के अनुपूरक हैं, साथ में हम लोग काम करते हैं, जिनके एवज में हम अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को महज 300 रुपया मिलता है और हमारे आंगनवाड़ी मध्यान्ह भोजन रसोइयाओं को 2000 मिलता है। माननीय महोदय जी, हम इस मंच के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आज इस महंगाई के दौर में 2000 और 3000 हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आज हम बता देना चाहते हैं कि एक शिक्षक जो हमारे साथ ही काम करता है, जो संस्था बर्बादी कहलाता है, उसका महज एक महीने का वेतन जो है 90,000 है। और हमारे कर्मचारी जो छोटे कर्मचारी हैं, मध्यान्ह भोजन रसोईया संघ है, हमारे इसको सफाई कर्मचारी संघ है, उनका मानदेय महज 2000 से 3000 है। अगर हम 3000 से गुणा करते हैं तो एक महीने का यानी एक दिन का पेमेंट हमारे स्कूल सफाई कर्मचारियों को, मान जो हमारे संस्था प्रभारी होते हैं, उनको एक दिन का मिलता है। वैसे हमारे रसोईया संघ के भाई लोग भी हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उनको तो और भी कम पैसा मिलता है, महज 1500 से 2000। आदरणीय, हमको जहां तक याद है, आप लोगों का मैं अवगत करा दूं कि आज हमारे इस पावन धरा में माननीय मंत्री जी क्यों उपस्थित हुए हैं। 11 नवंबर को हमने बगिया निवास में सभी कर्मचारी जो उपस्थित हुए थे, और उन्हें किसका बुलावा था जानते हैं आप? हमारे भगवान जो बैठे हैं मंच में, इन्होंने जो है हम छोटे वर्ग के कर्मचारियों को बुलाया। हमारे बड़े भाई तपेश्वर यादव जी, धनेश्वर यादव जी और हमारे संरक्षक मालूराम चौहान जी के द्वारा जो है हमारे समस्त कर्मचारियों को सूचित किया गया कि आदरणीय साय जी हमें जो है अपने जन दर्शन के लिए बुला रहे हैं, हमारा दुख को सुनना चाह रहे हैं, हमारा सुख को सुनना चाह रहे हैं। चुनाव में इतना व्यस्त रहने के बाद भी आदरणीय जी ने हमें जो है 2 घंटे का समय दिया, हमारे सारे दुखों को सुना। आज यही अभिनंदन समारोह जो है माननीय मंत्री जी को समर्पित किया जा रहा है। हम लोगों ने जब भी माननीय जी से इनके सम्मान समारोह के लिए समय मांगा, कभी इन्होंने मना नहीं किया। छत्तीसगढ़ के मुखिया होने के नाते इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको समय निकालने के लिए समय लगता है। आज देख सकते हैं मंच में उपस्थित हैं। आपको मैं बता दूं,
हम सब बोलते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, लेकिन हमारी मांगे तो पूरी हो चुकी है, वो भी 11 नवंबर को। और यही नहीं, अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरा बाकी है, थोड़ा सा सुन लीजिए। दूर दराज से आए हैं तो सुनना तो पड़ेगा। ये आप ही लोगों की मंशा थी कि मैं मंच में आप लोगों को अवगत कराऊं, तो मैं अवगत कराना चाह रहा हूं। 11 नवंबर को आदरणीय दीदी जी ने भी हमें आश्वस्त किया था कि तीन हमारे जसपुर जिला से तीन विधायक लोगों को आप विधायक बनाइए, निश्चित तौर पर जो है हमारे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। आदरणीय दीदी जी बैठी हैं, ब्रह्मा का लकीर है भाई उनके मुंह में, तीन विधायक बनते ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन हमारे सरगुजा के भाई बहन लोग भी छोटे मोटे प्लेयर नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर हैं। पूरा क्लीन स्वीप, ऑल आउट, एक भी नहीं बचे। तो मैं सरगुजा संभाग के समस्त कर्मचारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने छक्का छक्का लगाया। आदरणीय जो यहां पे बैठे हुए हैं, 11 नवंबर को घोषणा किए थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी आप लोगों का पूर्णकालीन कलेक्टर दर होगा। आज मोहर लगेगी और स्थायीकरण भी होगा, रसोईया संघ और इसके सफाई कर्मचारी संघ। शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें। आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं, मैंने अभी कहा कि अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, और क्या घोषणाएं हुई हैं उसको सुन लीजिए। आगे जो है ना, जैसे मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मामा जी की सरकार में अंशकालिक भी रेगुलर हुआ है, और वहां पे जो है संविदा प्रथा बंद, हमारे छत्तीसगढ़ में भी यही घोषणा हुआ है 11 तारीख को, 11 नवंबर को, कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी संविदा प्रथा बंद, सीधा नियमितीकरण। आपको बता दें, समय देना होगा, घोषणा हो चुकी है ना, और जी तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, समय का अभाव है। अंत में इतना बोलना चाहूंगा, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कंस का जो अंत करने के लिए जन्म लिया था, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने दशानन का जो है अंत करने के लिए जन्म लिया था, और इस कलयुग में हमारे गरीबी को दूर करने अंत करने का जो है ना काम इनका है, जरूर करेंगे। आप लोग अच्छे से दर्शन कर लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में मैं ये बोलना चाहूंगा, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी पुलिस प्रशासन, माननीय एसपी साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय एडिशनल एसपी साहब एवं पूरी पुलिस प्रशासन ने हमें बहुत सहयोग की है, उसके लिए मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूं। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद मुकेश यादव जी। कार्यक्रम के इस बीच में हम सबके संरक्षक राजा रणविजय सिंह जयदेव जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें।
साथ ही इस कार्यक्रम को ऊर्जा देने के लिए नवीनतम स्वरूप प्रदान करने के लिए युवराज यश प्रताप सिंह जोदेव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी हम जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। श्री हीराचंद यादव, आपसे आग्रह है कि आपका ठेठ नागपुरी कार्यक्रम 3 मिनट का है, इसे आप प्रारंभ करने का कष्ट करें। हीराचंद यादव एवं साथी एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे हीराचंद एवं साथी के। कृपया समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम प्रारंभ करें। हेलो चेक, हेलो 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 पावन जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री एवं जब जितना सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रसोईया संघ का जिलाध्यक्ष हीराचंद यादव आप लोगों के बीच एक हमारे मोदी सरकार का गाया हुआ जो उनके माध्यम से चलाया जा रहा है कार्यक्रम को मैं गाना के तहत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की जय जय। हाय रे Move it!
बहुत बहुत धन्यवाद। अपनेपन और अपने तरीके से आप सबने अभिनंदन किया है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम में वन प्रबंधक समिति की तरफ से अपनी बात रखने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री रामाधार लहरे जी, प्रांतीय अध्यक्ष, आप आए और संक्षेप में आपका उद्बोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। रामाधार लहरे जी, प्रांतीय अध्यक्ष, वन प्रबंधक समिति छत्तीसगढ़। बोलो भारत माता की। आज अभिनंदन सम्मान समारोह में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंचासीन अतिथिगण, अधिकारियों एवं कर्मचारी साथीगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकार बंधुओं एवं मेरे प्रिय चारों संगठन के आए हुए प्रदेश भर के सभी कर्मचारी साथियों, आज हम सभी कर्मचारी साथी यहाँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति शुभकामनाएं एवं धन्यवाद ज्ञापित करने एवं आपसे आशीर्वाद लेने इकट्ठा हुए हैं और यह हम सबके लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। मैं इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी उपस्थिति न केवल हमारे उत्साह को बढ़ाती है बल्कि हमें उन उद्देश्यों की ओर प्रेरित करती है जिनके लिए हम सब आज एकत्रित हुए हैं। आदरणीय महोदय, प्रदेश में हम 902 प्रबंधक वर्ष 1988-89 से वन विभाग के अधीन प्राथमिक वनोपज समितियों में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं एवं अपने नियमितीकरण का मांग निरंतर करते आ रहे हैं। आदरणीय महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में वनोपज संघ ने 3 स्तरीय सहकारी समितियां है, जिसमें प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति जो कि प्रदेश में 902 है और दूसरा एक जिला लघु वनोपज सहकारी संघ है जो कि प्रदेश में 31 है और तीसरा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ जो कि प्रदेश में 1 है। तीनों सहकारी संस्थाएं एक त्रिस्तरीय ढांचा है जिसमें प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में केवल एक प्रबंधक और 902 प्राथमिक वनोपज समितियों में सिर्फ एक एक प्रबंधक के हिसाब से 902 प्रबंधक है। ऊपर के जिला लघु वनोपज संघ जो 31 है प्रदेश में, 31 जिला यूनियन के समस्त अधिकारी कर्मचारी सभी के सभी नियमित हैं। राज्य वनोपज संघ वो भी सहकारी संस्था है, वहाँ पदस्थ सभी कर्मचारी वहाँ नियमित हैं, पर प्रदेश में इकलौता प्रबंधक जो वर्ष 88-89 से कार्यरत हैं वो अभी तक नियमित नहीं हुए हैं। मई 2016 में हम लोगों के लिए हमारे विभाग द्वारा सेवा नियम बनाया गया मई 2016 में, उसमें सभी नियम तो लागू किए गए, हम लोगों को सेवा नियम के आधार पर ही नियुक्ति दी जा रही है, विज्ञापन निकलता है और उनमें अर्हताएं होती है, ये योग्यताएं होना चाहिए, उस आधार पर नियुक्ति होती है और रिटायरमेंट 62 साल में होता है, पर उसमें एक बिंदु और है नियुक्ति की प्रक्रिया जिसका चौथा बिंदु में स्पष्ट लिखा है, नियुक्त अभ्यर्थी 1 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगा तत्पश्चात उसे नियमित किया जाएगा, जो आज तक लागू नहीं हुआ, ये हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। अभी वर्ष 2023 में 23 फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने हम प्रबंधकों के लिए एक त्रिस्तरीय संविदा वेतन मान का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया था, वो जुलाई 2023 को स्वीकृत हुआ है, उसके बाद वो अभी तक वो लागू नहीं हुआ है, जिससे हम लोग आहत परेशान है। हम शासन से किसी प्रकार का 1 रुपए का खर्च नहीं है, कोई उसमें भार नहीं आएगा, राज्य लघु वनोपज संघ हम प्रबंधकों का वेतन व्यवहार वहन करता है। आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, 902 प्रबंधक जो 88-89 से कार्यरत है, जो उन लोगों का सिर्फ 7-8-9 जो है एक अधिकारी के नाम से वो रुका हुआ है, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि उसको आप करा दीजिए सर, जो 900 प्रबंधक आपके हृदय से आभारी है और प्रदेश आपको धन्यवाद देता है। धन्यवाद सर, जय हिंद, जय।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। आप सबके मांग से हमारे सभी अतिथिजन और स्पेशली हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी पूर्णतः अवगत हैं, इसलिए समय का भी अभाव है और आप सबको प्यार अभिसिंचन करने के लिए हमारे बीच अतिथियों का आगमन हुआ है। हम बड़े ही आत्मीयता और सम्मान के साथ आज के इस कार्यक्रम में आप सबको आशीर्वचन देने के लिए आमंत्रित करते हैं। माननीय राजा रणविजय सिंह जुदेव जी, आप आए और जनमानस को आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से अभिसिंचित करेंगे। माननीय राजा साहब, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हम लोग के आदरणीय प्रिय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी, हम लोग के जिले के वरिष्ठ श्री कृष्ण कुमार राय जी, श्री अमर अग्रवाल जी बड़े भाई साहब, और जिनके पिताजी स्वर्गीय लखीराम जी को भी मैं याद करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे राज्य युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया था और कुमार साहब को भी राजनीति में आगे बढ़ाने का श्रेय श्री लखीराम जी को जाता है। जब कुमार साहब खरसिया उपचुनाव लड़ रहे थे अर्जुन सिंह जी के खिलाफ, हम लोग के प्रबोध मिंज जी इस क्षेत्र की जुझारू विधायिका श्रीमती गोमती साई जी, समस्त मंच या ऊपर से समस्त माताएं बहने, भाइयों बच्चों मित्रों, मैं आप लोग सबको बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करवाया और आप लोगों की जो भी मांगे थी, जो आप लोगों ने मुझे भी अवगत कराया था, वो पूरी की पूरी जानकारी हम लोग के मुख्यमंत्री महोदय को है और आप लोग विश्वास रखिए उसमें जो भी कार्रवाई होगी आप लोग सबके हित में कार्रवाई होगी। हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है कि जो विकास हम लोग को पहले जशपुर क्षेत्र में नहीं दिख रहा था, बीच बीच में मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरी बात होते रहती है, मैं कहता हूं कम से कम हम लोग को जो जशपुर आने की और जशपुर से निकलने की, रायपुर पहुंचने की, उड़ीसा पहुंचने की, अंबिकापुर पहुंचने की अच्छी रोड दे दे। और मैं आज जो लेट भी हुआ, 5-7 मिनट जो लेट भी हुआ, वो रोड के चलते हुआ लेट हुआ विष्णु साई जी, पर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके मुख्यमंत्री बनते साथ जिले में विकास का काम चालू हो गया और आप लोगों ने जो इतना बड़ा यहाँ कार्यक्रम किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। गोमती साई जी यहाँ रहती हैं, मैं जशपुर रहता हूँ, कृष्णा राय जी जशपुर रहते हैं, हम लोग के नेता जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, हम लोग के जिला अध्यक्ष श्री सुनील गुप्ता जी वो कांसा बेल रहते हैं, जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो हम लोग को याद करिएगा, हम लोग आपके बीच रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, सादर धन्यवाद महोदय जी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आप सबको आशीर्वचन देने के लिए हम सब सम्मान आमंत्रित करते हैं माननीय श्री अमर अग्रवाल जी, विधायक बिलासपुर। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सम्माननीय महोदय जी को आमंत्रित करें। भारत माता की, भारत माता की। आज इस अभिनंदन समारोह के मुख्य अतिथि और छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, जसपुर रियासत के राजा और हमारे साथी आदरणीय रणविजय जी, आज के कार्यक्रम की सम्माननीय अध्यक्ष, रायगढ़ से सांसद रही, वर्तमान में पत्थलगांव विधानसभा की सम्माननीय विधायक आदरणीय गोमती साय जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कृष्णा राय जी, भारतीय जनता पार्टी जसपुर जिले के अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, कुनकुरी से विधायक रहे हमारे साथ भरत साय जी, पत्थलगांव से विधायक रहे हमारे साथ सम्माननीय शिवशंकर पैकरा जी, और मंच पर उपस्थित
सभी आदरणीय जन, उपस्थित सम्माननीय जन, उपस्थित सभी बहनें, आज आप सब ने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन समारोह रखा है। वास्तव में अभिनंदन आप सबका है, क्योंकि आप सबके कारण इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आपके जनादेश के कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार में आदरणीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने। इसलिए आप सबका अभिनंदन है पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से। बहुत से हमारे संगठन के अपनी कुछ बातों का जिक्र कर रहे थे, मांगों का। आपने देखा होगा कि पिछली 5 साल की जो सरकार रही, उस सरकार ने इस प्रदेश को आर्थिक दिवालिया बना दिया और आप सब लोगों का पैसा लूट के वो अपने घरों में ले गए और पूरे प्रदेश को कर्जदार बना दिया, और उसी के कारण आज सबके ऊपर केस चल रहे हैं। एक विरासत में छत्तीसगढ़ को कंगाल बना के उन्होंने हाथ में दिया है, लेकिन मात्र इस 2 महीने की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल जो बजट पेश हुआ है, हमने जो जो जनता से वादा किया था उस वादा को हमने पूरा करने की कोशिश की है और वादा निभाने की कोशिश की है, मोदी गारंटी 2023 की। यहां पर जितनी बहनें बैठी हुई हैं, क्योंकि बहुत से वक्ताओं को बोलना है, बहुत सी बहनें बैठी हुई हैं, बाकी मांग वांग की चर्चा तो हो जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमने वादा किया था, महतारी वंदन, 1,000 रुपया प्रति माह देंगे और उसका फॉर्म भरवाना हमने चालू कर दिया। जिस जिस बहन ने फॉर्म भर दिया, हाथ खड़े करो, सब भर दिए। अब एति हम पुरुष मन देखते हैं कि महतारी मन पाद है, हमन खाली खाली रह गए हैं, फॉर्म ला भर दिया। अब मार्च ले आप ले पैसा आपके खाता में आई, हर महीना 1,000 रुपया। अरे जोग ले ताली बजावा ना जी, जो हो गए। अरे तुमन भी बजा दे हो भाई, ओमन पाही तो आधा हिस्सा तो तुम्हार होगी कि नहीं होगी। तो वादा को पूरा किया, और आप लोगों की भी जो मांग है हम जानते हैं, संज्ञान में है पार्टी के भी और मुख्यमंत्री जी के भी। ये 5 साल की सरकार है, थोड़ा सा इन लोगों ने जो कंगाल बना के इस छत्तीसगढ़ को दिया है, हमको थोड़ा सा संभालने का वक्त दो। एक एक वादा जो हमने मोदी 2023 में किया है उसको हम पूरा करेंगे, और आप लोगों की जो भावनाएं हैं उसका हम पूरा करेंगे। आप सबका मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय महोदय जी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आप सबको आशीर्वचन प्रदान करने के लिए हम जसपुर के सम्माननीय कृष्ण कुमार राय जी आपको आमंत्रित करते हैं कि आप अपने बातों से आज के इस जनसभा को आशीर्वचन प्रदान करने का कष्ट करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें। भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब जसपुरिया वासियों के लाडले नेता और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय विष्णुदेव साय जी, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद अब विधायक हमारे गोमती साय जी, हम सबों के मार्गदर्शक आदरणीय अमर भैया, हमारे युवा नेता राजा रणविजय सिंह जी, प्रबोध जी, युवराज साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष सुमील गुप्ता, भरत साय जी, शिवशंकर साय जी, नंदे जी, मंच में बैठे सभी अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों,
आज हम हमारे लाडले नेता का स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए पूरा जसपुर का सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। मेरे को याद आता है कि जसपुर के लोगों का इस बार ललक था, मीडिया के कुछ साथी मेरे सामने खड़े वो भी थे रायपुर में, पूरा जसपुर रायपुर पहुंच गया था। जिस दिन रिजल्ट निकला 3 तारीख को और हम लोगों को रात को ही बुलाया गया, आदरणीय विष्णु देसाई जी, गोमती जी, रायमुनी जी और मैं, हम लोग रायपुर पहुंचे। लेकिन जसपुर के लोगों का, सभी वर्ग के लोगों का अथाह भीड़, अचानक हमारे नेता विष्णु देसाई जी का घर में आना शुरू कर दिए। बुके लेके आ रहे, फूल लेके आ रहे, माला लेके आ रहे। विधायक दल का चुनाव 5-7 दिन के बाद हुआ, 7 दिन तक भीड़ था और पूरे रायपुर में जसपुर ही जसपुर, जैसा लग रहा था कि जसपुर कुछ लेने आया है और जसपुर अपने ताकत से लेके मुख्यमंत्री का कुर्सी लेके जाएंगे। ये भावना के साथ गांव के लोगों का आना जाना, स्वागत करना, मैं और विष्णु साई जी बैठे थे अकेले में, ऐसा ही बात चल रहा था तो बोले ये क्या चीज क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को गुलदस्ता दे रहे हैं, मैं गुलदस्ता ले रहा हूँ, काहे ले रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो गुलदस्ता काहे दे रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो बोले ये जसपुर वासियों का भाव है। मैंने बोला मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जसपुर के लोगों में ये आपके प्रति आकर्षण और मुख्यमंत्री बनाने के लिए इनका जो ललक है उससे मेरे को डर लग रहा है, अगर गलती से कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है विधायक दल के बैठक में, अगर हम लोगों का नाम नहीं आया तो हम लोगों को जसपुर में मुश्किल हो जाएगा, क्या जवाब देंगे। लेकिन भगवान की कृपा से और आप सबों के अथाह मेहनत से और एक भाव से आपने जसपुरिया मेट्टी पुत्र आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री रूप में बनाया है। आज हम सब आप पूरा जसपुर बधाई का पात्र है और पूरे जसपुर वासियों की ओर से मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय जसपुर इसी तरह नाम रोशन करता रहेगा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय श्री कृष्ण कुमार राय जी को। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मातृशक्ति के रूप में हमारे मंच पर विराजमान हम सबकी सम्मान्य श्रीमती गोमती साई जी, विधायक पत्थलगांव हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे आग्रह करेंगे कि इस जनमानस को आप अपने विचार से, अपने भाव से, अपने वात्सल्य से अभी सिंचित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। भारत माता की, सबका हाथ नहीं उठाया, भारत माता की जय कहने में कंजूसाई नहीं करना चाहिए, हाथ ऊपर उठना चाहिए, भारत माता की। आज कासाबेल की इस पवित्र भूमि में अभिनंदन सम्मान समारोह में उपस्थित देश भर से आए हुए हमारे, प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी संघ के सदस्यगण यहां पर आप लोग सब उपस्थित हैं, सभी भाई और बहनों को मैं प्रणाम करती हूं, नमस्कार करती हूं और सम्मानीय सभी मंच को भी मैं उनको भी प्रणाम करती हूं। कहे कि ये कार्यक्रम पत्थलगांव विधानसभा में हो रही है इसलिए मैं उनका अभिनंदन और स्वागत भी करती हूं। यहां पर उपस्थित इस कार्यक्रम में खास करके शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं इसी क्षेत्र के जसपुर जिला के माटी पुत्र और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु देसाई जी, उनको भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूं। यहां पर उपस्थित आदरणीय बड़े भाई सर अमर अग्रवाल जी, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आदरणीय बड़े भाई साहब प्रबोध मीन जी,
उनका भी मैं स्वागत करती हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में। आदरणीय राजा साहब हम सबके मार्गदर्शक हैं, उनका छत्र छाया हमेशा जसपुरवासियों को हम लोग सबको मिलते रहता है, उनका भी मैं स्वागत करती हूं। आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय कृष्ण कुमार राय जी पत्थलगांव विधानसभा में, उनका भी स्वागत करती हूं मैं। हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय भाई सुनील गुप्ता जी, आदरणीय पूर्व विधायक शिवशंकर साई जी, आदरणीय पूर्व विधायक भरत साई जी, आदरणीय उपेंद्र यादव जी, आदरणीय शालिक साई जी, आदरणीय महामंत्री भरत सिंह जी, आदरणीय महामंत्री मुकेश शर्मा जी, आदरणीय शंकर गुप्ता जी, आदरणीय मनीष अग्रवाल जी, आदरणीय गणेश जैन जी, आदरणीय आलोक सारथी जी, आदरणीय सुदाम पंडा जी, आदरणीय अनिल मित्तल जी, आदरणीय नरेश यादव जी, आदरणीय संघ के प्रदेश प्रबंधन के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय रामाधार महरे जी, आदरणीय मुकेश कुमार यादव जी, आदरणीय रामराज कश्यप जी, आदरणीय हर्षमणि चौहान जी, आप सबका मैं स्वागत वंदन करती हूं। इसे चुनाव से पहले बगिया में हम लोग आप सबका दर्शन किए थे और आप लोगों का कई बार प्रस्ताव आया कि हम लोग अभिनंदन समारोह आप लोगों का रखना चाहते हैं, लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया और आज कासाबेल की धरती में आप सबका दर्शन लाभ मिलने का अवसर मिला है। साथियों आप लोगों का पद, आप लोगों का मान और सम्मान, आप लोगों का पद का जन्मदात्री अगर कोई था तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी का सरकार था। बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार आप लोगों को किया है, लेकिन संवारने का काम भी आदरणीय हमारे विष्णुदेव साई जी का सरकार ही आप लोगों को करेंगे। मैं इतना ही आश्वस्त करती हूं और ये तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल था मेरे साथियों, और फाइनल अभी बाकी है जो दिल्ली में भी तीसरी बार हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनाना है। इसके लिए आप लोग तैयार है कि नहीं है? तैयार है? इधर वाले लेकिन हाथ नहीं उठा रहे हैं। तैयार है कि नहीं है? तो इस बार तीसरी बार देश में भी नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनाना है, इसलिए आप लोगों को मैं निवेदन करती हूं इस मंच से कि कमर कस करके आप लोग तैयार रहिए और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके बैठा करके देंगे। इसके लिए आप लोगों से मेरा विशेष निवेदन है, इसके लिए भी आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए, आप लोगों का एक एक कीमती समय आप लोगों का हम लोग लेंगे। बाकी हम लोग मुख्य अतिथि जी का सुनने आए हैं और आदरणीय सभी मंच को मैं सादर नमस्कार करते हुए आप सबको आभार और धन्यवाद करते हुए मैं अपना वाणी के विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। श्रीमती गोमती साई जी, माननीय विधायक पत्थलगांव, एक बार दीदी जी के लिए जोरदार ताली बजा करके अपना अभिनंदन करें, स्वागत करें। इस मंच पर मंचासीन हर अतिथि हमारे लिए महनी है, पूजनीय है, वंदनीय है, और हमारे राजा साहब थोड़ा सा कार्यक्रम में विलंब आए। हमारी बहनों के द्वारा आग्रह है कि उनका तिलक रोली करके स्वागत अभिनंदन की कार्यवाही बची है। हम आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र आए और सम्मानी राजा साहब को, युवराज साहब को और सम्मान्य कृष्ण कुमार राय जी का तिलक रोली लगा करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप सबसे निवेदन है कि एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें, स्वागत करें।
साथियों, आप सबको पता है और हमारे मंचासीन सभी अतिथियों को आप सबकी मांगों के बारे में, बहुप्रतीक्षित मांगों के बारे में, आप लोगों के तकलीफों के बारे में, आप लोगों के क्रियाकलापों के बारे में वो अच्छे से अवगत हैं। उन्हें हम सभी मौका देते हैं और आज आप सब लोग छत्तीसगढ़ अंशकालीन सफाई कर्मचारी कल्याण संघ, मध्याह्न भोजन रसोईया संघ, वन प्रबंधक समिति और आंगनबाड़ी सहायिका संघ का ये जो संयुक्त अभिनंदन एवं सम्मान समारोह आयोजित है, इस पर हम पुनः अभिनंदन करते हैं और आप सबकी प्रतीक्षा और उत्कंठा पर विराम लगाते हुए हम छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हम सबके प्रेरणा स्रोत, चन नेता माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आपको जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। आप आए और स्नेह वर्षा और आशीर्वचन से इस विशाल जनसमूह को कृतार्थ करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय जुदेव, जय जुदेव। आज कांसाबेल किस पावन धरती में सफाई कर्मचारी संघ, रसोईया संघ, आंगनबाड़ी सहायिका संघ और वन प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित अभिनंदन एवं समारोह कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हम सभी लोगों के अगुआ हमारे जसपुर के राजा साहब, पूर्व राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्री रणविजय प्रताप सिंह जुदेव जी मंच में विराजमान, आदरणीय श्री अमर अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक और राजा साहब, उनका परिचय अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि स्वर्गीय लखीराम जी अग्रवाल खरसिया वाले, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया, उनके सुपुत्र हैं। श्रीमती गोमती साई जी, आपके इस पत्थलगांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक महोदया, जो इस क्षेत्र से सांसद भी रही, आदरणीय प्रबोध मेन जी, विधायक लुंड्रा, युवराज साहब, श्री एस प्रताप जी, आदरणीय श्री कृष्ण कुमार राय जी, भरत साई जी पूर्व विधायक, श्री श्री शंकर साई जी पूर्व विधायक, रोहित साई जी पूर्व विधायक, हमारे जसपुर जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, सालिक साई जी, भरत सिंह जी, मुकेश शर्मा जी, उपेंद्र यादव जी जिला पंचायत उपाध्यक्ष, मंच में विराजमान सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण और सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश के अध्यक्ष श्री संतोष खांडेकर जी, श्री नंद गोपाल प्रधान जी,
रसोया संघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती हंसमुनि चौहान जी, आंगनबाड़ी सहायिका संघ की प्रदेश अध्यक्ष हंसमुनि चौहान जी, रसोया संघ के दूसरे होंगे, रामराज कश्यप जी रसोया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रामराज कश्यप जी, वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामाधार लहरे जी, रसोया संघ के जिलाध्यक्ष हीराचंद यादव जी, सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश यादव जी, चारों संघ के सभी पदाधिकारीगण और ये अभिनंदन समारोह प्रदेश स्तर का है तो पूरे प्रदेश से दूर दूर से आए हमारे चारों संघ के भाई और बहनों, हमारे जिले के कलेक्टर एसपी सभी अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज का एक कार्यक्रम हमारे चारों संघ के तरफ से है और हम लोगों का अभिनंदन करने के लिए कार्यक्रम रखे हैं और आज सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी भी हैं, लुंड्रा के विधायक प्रबोध मिंज भी हैं और जैसा अमर भाई साहब ने कहा कि ये जो स्वागत आप लोगों ने किया हम लोगों का यहां पर माल्यार्पण के द्वारा, नृत्य के द्वारा, इधर कितने हमारे नृत्य की टीमें हैं, डंडा नाच है, सुहा नाच है, हमारे बाजा वाले हैं, इधर नागपुरी गाना, बहुत आत्मे आप सब लोगों ने स्वागत किया है, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। लेकिन ये अभिनंदन वास्तव में आप लोगों का है, चुनाव के समय आप सभी लोग भारी संख्या में हमारे बगिया निवास में आए थे और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, आप लोगों ने आश्वस्त किया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और आप लोगों ने जिताकर दिखा भी दिया। पूरे प्रदेश में 54 सीट और 40% से ज्यादा वोट आप लोगों ने दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, इसलिए अभिनंदन आप सभी लोगों का है। हमारे जसपुर जिले में भी तीनों सीट आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिए। हमारे यादव जी जिनका उद्बोधन शुरू में हो रहा था, उन्होंने कहा कि सरगुजा संभाग में पूरा कांग्रेस क्लीन स्वीप हो गया, पूरा साफ हो गया, 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, तो ये सब आप लोगों के कारण हुआ। तो वास्तव में आप सभी लोग सम्मान और अभिनंदन के हकदार हैं और आप सब लोगों की समस्या से हम लोग अवगत हैं, आप लोगों के बीच के हम लोग आदमी हैं और जैसा गोमती साहब बता रही थी कि जो भी ये पद जिसमें आप लोग कार्यरत हैं, ये सब जब 15 साल हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय का ये शुरुआत है और बीच में 5 साल वादा के बाद भी पिछली सरकार आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाई, जबकि उनके जन घोषणा पत्र में जो 36 वादा का जन घोषणा पत्र था उसमें आप लोगों के लिए
भी वादा था, लेकिन पिछली सरकार वादा खिलाफी की। 36 वादा में एक भी वादा पूरा उनका नहीं हुआ और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता उनको 35 सीट पर लाके बैठा दी। आप लोगों को मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों के साथ में न्याय होगा, आप लोगों के साथ मिलकर बात करेंगे और जो अच्छा से अच्छा होगा आप लोगों के लिए सब करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जैसे अमर भैया वक्त मांगे तो मैं भी आप लोगों से थोड़ा वक्त मांगता हूं। अभी मोदी की जो गारंटी है वो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, वो महत्वपूर्ण था, इसलिए इस बजट में आप लोगों के लिए शायद कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के साथ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय करेगी। आप लोग बैठ जाइए, बिल्कुल आप सब लोगों के साथ न्याय होगा, आप लोगों के साथ मिलकर बात करेंगे। सभी लोग बैठ जाएं कृपया। आपको सुनाई नहीं पड़ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं, तो मिल बैठ के बात करेंगे, हम बोल रहे हैं ना। बैठकर भाई सब आप लोगों के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष लोग थोड़ा देखिए, माइक से बोल। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सबके बात को सुनने और समझने के लिए ही हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं। आप सब से मेरा आग्रह है कि शांति व्यवस्था बनाकर सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग से मेरा आग्रह है कि आप सब शांति व्यवस्था बनाकर बैठ जाएं। कृपया पूरी होगी आप लोगों की। बैठिए बैठिए, और नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा बताइए। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए बैठिए बैठिए, आप लोग सुनने के लिए तो हम लोग आए। बैठिए बैठिए बैठिए, कृपया मेरा निवेदन है, आप लोग सभी से बैठिए। बोल रहे हैं इसको सुन तो लीजिए, अपमान मत कीजिए, ये हमारा अपमान है। अगर आप हमारे कर्मचारी हैं तो हमारी बात को जरूर समझेंगे। बैठ जाइए, कृपया सुन तो लीजिए, जब आप से बैठ के बात करेंगे करके बोल रहे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। हम आश्वस्त कर रहे हैं ना आप लोगों की, सब मांग पर बैठ के बात करेंगे और आप लोगों के साथ न्याय करेंगे। और आज इस वक्त कांसाबेल से कुछ मांग आई है, तो एक तो कांसाबेल में एक तीर्थ स्थल है तुर्री घाट, जो कांसाबेल क्षेत्र के श्रद्धा का केंद्र है, तो उसके सौंदर्यीकरण के लिए हम 20 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। कांसाबेल में इंडोर स्टेडियम की भी मांग हो रही है। हमारे विधायक, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष की मांग है
इंडोर स्टेडियम की हम घोषणा करते हैं और मुक्ति धाम का सौंदर्यीकरण का भी घोषणा करते हैं। हेलो, आप सभी से आग्रह है, आप सभी लोगों ने हाथ जोड़ के बैठ जाए कृपया। स्वागत का कार्यक्रम रखा, हम लोगों का आत्म स्वागत किया, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की। अभी आप सुन रहे थे हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को। चूंकि चार विभाग है, आप सबके चारों विभाग की मांग है, उससे वो वाकिफ हो रहे हैं और जो आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर होगा वो करने के लिए वो आश्वस्त किए हैं। हम सब लोग यदि कुछ बड़ा चाहते हैं, थोड़ा सा मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि धैर्य तो रखना पड़ेगा। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे अतिथियों का अभिनंदन करें और सभी की तरफ से मैं आभार प्रदर्शन करने के लिए श्री मालूराम जी आपको आग्रह करता हूं कि आप आए और आज के कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखें। निश्चित ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे मांगों को अपना ध्यान में रखते हुए हम लोग को आश्वस्त कराए हैं, तो जल्द ही जल्द आप लोगों को निराकृत का परिणाम मिलेगा। आज आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और इस मंच में आए हमारे मेहमान जन, आपको मैं हमारी चारों संघ की ओर से जो है प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम भेंट करता हूं। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे इस छोटे से कर्मचारी के मंच में आए हैं, हमेशा आपके आभारी रहेंगे और हमेशा इस पल को हमारे बाल बच्चे, हमारे कर्मचारी बंधु याद रखेंगे, इस पल को कभी नहीं भुलाएंगे। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ में पुलिस प्रशासन हमारे इस कार्यक्रम को करवाने में अहम भूमिका दिए हैं, उन्हें भी मैं हमारे संघ की ओर से जो है आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और हमारे मीडिया प्रभारी भी हमारे पूरे भारत के रीढ़ की हड्डी हैं, उन्होंने भी हमारे इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का जो है कार्य किए हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं। और मेरे साथियों, आप लोगों ने बस्तर से लेकर जसपुर तक हमारे माताएं बहनें मेरे भाइयों, आप लोगों ने कष्ट उठा करके हमारे इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जो है इस सम्मान कार्यक्रम में आए हैं, इसके लिए आप लोगों जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों का सफर की उज्जवल भविष्य हो, ये कामना के साथ जो है आज के कार्यक्रम को समापन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम के अंत में स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए चारों ही संगठन के पदाधिकारी आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आप सबको विदित है और हम भी इससे वाकिफ हैं कि आज का ये कार्यक्रम पूर्णतः अभिनंदन एवं सम्मान समारोह है। इस कार्यक्रम की पूरी गरिमा बनी रहे, ये हम आप सबसे आग्रह करते हैं। आपकी मांगों के प्रति हमारे सभी अतिथिजन पूर्णतः परिचित हैं और यथाशीघ्र आपके जीवन के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे। अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी श्रीमती गोमती साय जी, माननीय विधायक पत्थलगांव। कार्यक्रम में हमारे बीच होंगी श्रीमती